अस्सलामुअलैकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम एकेडमिक टेस्ट एमसीक्यूज के पार्ट नंबर थ्री को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एज़ यू नो के जो मैं एकेडमिक टेस्ट के एमसीक्यूज बनाता हूँ ये मैं बेसिकली पीएमए के लिए बनाता हूँ लेकिन स्टूडेंट्स चूंकि मेरे एकेडमिक टेस्ट में पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज होते हैं इसलिए ये एमसीक्यूज पीपीएससी और एफ पी के टेस्ट वालों के लिए भी मुफीद हैं स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहले दो तीन बातें मैं बताते चलूँ अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने कामयाबी की दो बातें आपको बताई थी एक मैंने कहा था कि अल्लाह ताला पर यकीन रखना है और दूसरी बात है कि आपने मेहनत करनी है मेहनत नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कभी भी कामयाब नहीं करेंगे और स्टूडेंट्स आपको तीसरी बात भी बताते चलूँ कि अगर आपकी मेहनत एक हाफ हिम्मत में नहीं होगी एक खास डायरेक्शन में भी नहीं होगी तो तब भी आपकी कामयाबी एम्पॉसिबल है अगर आप मेहनत करोगे अल्लाह ताला पर यकीन रखोगे और वो जो आपके स्ट्रगल है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में है दिन आपकी सक्सेस हंड्रेड परसेंट श्योर है स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ हाउस फ्लाई यानी मक्की का नाम तो आपने सुना होगा स्टूडेंट्स इसका काम क्या होता है कभी इधर बिन बिनाना कभी उधर बिन बिनाना लेकिन ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में सफ़र नहीं करती स्टूडेंट्स बुक्स में लिखते हैं अगर मक्की एक प्रॉपर डायरेक्शन में उड़े तो ये एटीन किलोमीटर्स फासला क्रॉस कर सकती है जो कि बहुत ज़्यादा फासला है तो स्टूडेंट्स ये बातें तो होती रहेगी आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन के लेट्स गो हमारा फर्स्ट एम्सक्यूज है वट इज़ द टोटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान प्रोवेंस स्टूडेंट्स इज़ बेसिकली एक सूबे का नाम है और इसका जो टोटल एरिया है वो है थ्री लेख फोर्टी सेवन थाउजेंड वन नाइनटी स्क्वेयर किलोमीटर यानी ऑप्शन सी इज़ दम्सक्यूज नंबर टू है हमारा दीनी हनीफ इज़ एन ऑल नेम ऑफ स्टूडेंट्स आ, दीनी हनीफ बेसिकली ये इस नाम का ओल्ड नेम है हम कहेंगे दीनी हनीफ इज एन ओल्ड नेम ऑफ इस्लाम यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हेयर एमसी नंबर थ्री है हमारा जी एच क्यू स्टैंड स्टूडेंट्स जी एच क्यू ये एक एब्रीवे है और ये स्टैंड करता है जनरल हेड क्वार्टर स्टूडेंट्स अब ये जो जनरल हेड क्वार्ट है ये आर्मी के होते हैं और ये लोकेट है रावल पिंडी में और स्टूडेंट्स आई थिंक सो नाउ डेज इट इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद एम सी क्यूज नंबर फोर है हमारा फर्स्ट नोबेल प्राइज वॉज अवार्डेड इन सॉरी इधर प्राइज नहीं लिखा हुआ उसके लिए सॉरी ये नोबेल प्राइज स्टूडेंट्स नोबेल प्राइज की अवार्ड से पहले पहले हम समझ लेते हैं कि नोबेल प्राइज कितने फील्ड्स में दिया जाता है तो स्टूडेंट नोबेल प्राइज फाइव डिफरेंट फील्ड में दिया जाता है और अगर आप इसके अपने नाम अपने पास लिख ले तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा फर्स्ट फील्ड है फिजिक्स सेकेंड फील्ड है केमिस्ट्री, थर्ड फील्ड है फिजियोलॉजी फोर्थ फील्ड है मेडिसिन लिटरेचर और फिर पीड़ है पीस यानी अमन स्टूडेंट्स फ़र्स्ट नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था 1901 में और अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है लास्ट uh, ईयर है टू टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू में भी नोबेल प्राइज़ दिया गया था स्टूडेंट्स आज तक टोटल नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं सिक्स सेवन नाइन एम नंबर फाइव है हमारा काद मदर टंग स्टूडेंट्स एज यू नो कातियाम इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान स्टूडेंट्स मदर टंग कहते हैं मादरी जुबान को कि हम घर में कौन सी जुबान बोलते हैं तो स्टूडेंट्स कातीम की जो मदर uh, टंग थी वो थी गुजराती यानी ऑप्शन सी इज़ दैक्ट हयर एम सी क्यूज नंबर सिक्स है हमारा करेंसी ऑफ केनिया ए स्टूडेंट्स आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी है रुपीज पी के आर तो स्टूडेंट्स ज़रा केनिया की जो करेंसी है उसका नाम है केनिया शिलिंग यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर स्टूडेंट्स और अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए कि के केनिया के कैपिटल का क्या नाम है तो आप वाह नायरो लिखोगे एम्सक्यूज नंबर सेवन है हमारा ब्लैंक ऑरेंज द नमाजी तरावीज नमाजी तरावी हम जनरली पढ़ते हैं रमजान में तो नमाज तरावी हज़रत उमर हज़रतमर रजील अरेंज किए थे ऐसा नमाज तरावी के ऊपर डिफरेंट हदीस है आ, बास सहाबा कराम नकल करते हैं कि के जो तरावी है ये एट है और बास सहा कराम कहते हैं कि जो तरावी है ये ट्वेंटी है एम्सक्यूज नंबर एट है हमारा करेंसी ऑफ कैनाडा ए स्टूडेंट्स अब कैनाडा की करेंसी uh, क्या है तो स्टूडेंट्स कैनाडा की जो करेंसी है वो है कैनेडियन डॉलर यानी ऑप्शन डी इज़ दैक्ट हर एम्सक्यूज नंबर नाइन है हमारा हजरत जब्राहली इज़ रिफर्ड इन द कुरान ए स्टूडेंट्स हम सिंपली कह सकते हैं कि हज़रत इब्राहम का नाम कुरान मजीद में किस नाम से पुकारा जाता है या किस नेम से मेंशन है तो हज़रत इब्राही को कुरान मजीद में एज एन रूह मेंशन किया गया है और स्टूडेंट से अगर आपको हज़रत इब्राहली के काम का नहीं पता तो सुन हज़रत इब्राहली साम का जो काम था वो था हजूर सल्लम पर वही लाना एम सिक्यूज़ नंबर टेन है हमारा अटक फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्ट बाय अटक किला किसने कंस्ट्रक्ट किया था किसने तामीर किया था तो स्टूडेंट्स अटक किला कंस्ट्रक्ट किया था अकबर बादशाह ने अब स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि मैं आपको अकबर बादशाह की थोड़ी सी तफसील दे दूँ अकबर बादशाह का जो पूरा नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अगर इसकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो वो थे फिफ्टीन अक्टूबर फिफ्टीन फोटी टू इन उमरकोट इंडिया इनकी डेथ की बात करें तो वो थी ट्वेंटी सेवन अक्टूबर जीरो फाइव इंडिया एम सी क्यूज नंबर एलेवन है हमारा वट इज़ द टोटल एरिया ऑफ फाटा स्टूडेंट्स एरिया को जानने से पहले हम पहले हमें फाटा का पता होना चाहिए कि फाटा है क्या स्टूडेंट्स फाटा इज बेसिकली स्टैंड फॉर फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रिबल एरिया स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे पास एक एजेंसी है और इनका जो टोटल रकबा है वो है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टू ट्वेंटी स्क्वेर किलोमीटर यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हेयर एम सी क्यूज़ नंबर ट्वेल्व है हमारा कैपिटल ऑफ कोलंबिया स्टूडेंट्स कैपिटल कहते हैं दारुल हिलाफा को जिस तरह पाकिस्तान का दारुल हिलाफा है इस्लामाबाद तो इस तरह कोलंबिया का जो दारुल हिलाफा है वो है बोगोटा यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हेयर एम सी क्यूज नंबर थर्टीन है हमारा हज़रत अलैहिस्सलाम इज़ मेंशन इन द कुरान फॉर ब्लैंक टाइम स्टूडेंट्स मैंने आपको हज़रत अलैहिस्सलाम के फंक्शन का तो बता दिया कि उनका काम क्या था तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाते थे और अगर स्टूडेंट्स आपसे फर्स्ट वही का पूछा जाए तो फर्स्ट वही थी सूरह अल कलम के फर्स्ट पांच अयाज ठीक है और हाँ, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है कुरान मजीद में, में मेंशन किए गए हैं थ्री टाइम्स यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हेयर एम्स क्यों नंबर फोर्टीन है हमारा द कारगल एंसीडेंट है एं। uh, कार्गल एंसीडेंट से पहले पहले हम समझ लेते हैं कि कार्गल एंसीडेंट आहिर है क्या स्टूडेंट्स कार्गल एंसीडेंट्स को हम कार्गल कन्फ्लैक्ट भी कहते हैं अब कार्गल uh, कन्फ्लिक्ट इसको क्यों कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स आ, कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कारगल डिस्ट्रिक्ट ये जंग वहाँ लड़ी गई थी उसकी वजह से इसका नाम पड़ा गया कारगल एंसीडेंट स्टूडेंट्स ये जो वार थी ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई थी और ये वार स्टार्ट हुई थी मई थ्री नाइन्टीन नाइन को और एंड हुई थी ट्वेंटी जुलाई 1999 को तो इधर हम कहेंगे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी और स्टूडेंट्स गूगल uh, के मुताबिक एंड अकॉर्डिंग टू मैनी बुक्स वो लिखते हैं कि कारगिल वॉर इंडिया विन कर गई थी एम सी क्यूज नंबर फिफ्टीन है हमारा किबला मीन्स ब्लैंक स्टूडेंट्स कबले का क्या मतलब है हम जब नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं किबले की तरफ़ रुख करो या जब हम नीयत पढ़ते हैं वैसे तो नीयत दिल से है लेकिन जब हम नीयत पढ़ते हैं तो हम उसमें भी कहते हैं कि किबले की तरफ मुँह हो मेरा ठीक है तो किबले का मतलब है डायरेक्शन वर्ड्स वर्ड्स काबा काबे की तरफ रुख होने को हम कहते हैं किबला यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हेयर तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे एकेडमिक टेस्ट के उम्मीद करता हूँ आपको एन एम सी क्यूज़ की समझ आ गई होगी और स्टूडेंट्स एट द एंड मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी आज जाना रिक्वेस्ट होगी आपसे कि नमाज जाना किया करे पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ा करें इन शाह अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए मुझे अपने दुआ में याद रखिए अपने सेहत का ख्याल रखिए और हाफिज़